हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे आप सभी। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जो हमारी बुक है मंजुल त्यागी की, ठीक है, उस बुक का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं गाइस। मैं आप लोगों को दोनों चैप्टर के इकट्ठे करवाऊंगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर है। पहले इसमें जो मैट्रिक्स आपका जो बुक है, दोनों में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। मैट्रिक्स अलग दिया हुआ है, डिटरमिनेंट अलग दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, और उसके बाद डिटरमिनेंट के। तो मैं इकट्ठा सोल्व करवाऊंगा आपको, अलग अलग चैप्टर नहीं रहेगा, ठीक है, एक साथ ही करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करना। स्टडी मटेरियल में जाना, स्टडी मटेरियल में आपको एक फोल्डर मिलेगा एनडीए मंजुल त्यागी बुक पीडीएफ के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो लेवल 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, सबसे पहले कहता है द मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको बताना है। तो 2 रो है, 3 कॉलम है, तो सिंपल 2×3 इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये तो क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है ए प्लस ए दे रखा है और बी दे रखा है, और ए प्लस बी जो है वो ये दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आप देखो तो एक्स जो है वो आपके पास कौन सा एलिमेंट है मेरे प्यारे, एक्स जो है वो आपके पास 2, 1 एलिमेंट है। तो सिर्फ आप 2, 1 एलिमेंट को ऐड कर दो, ए प्लस बी ऐड करोगे तो 5+ में एक्स आएगा, और वो यहाँ पे 2, 1 एलिमेंट कितना है, 6, तो इक्वल टू 6 पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल स्मार्ट वर्क यूज करो मेरे प्यारे, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन में ए प्लस बी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही एलिमेंट ऐड करके इक्वल पुट करो जिसमें आपका एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, ये कहता है द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आपको मैंने बताया था कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मतलब ए का डिटरमिनेंट 0, तो ए का डिटरमिनेंट 0 पुट कर लो, 4, 2, 4 माइनस का 8x इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट 0। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2x माइनस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस का 32, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू माइनस का 16, आपका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि a इज इक्वल टू, ये है ए स्क्वेयर इज इक्वल माइनस में के ए माइनस में आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो के ए प्लस में क्या आएगा, आइडेंटिटी। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी बताया था, स्मार्ट वर्क यूज करो। ए इंटू ए मतलब 1, 2, 2, 3 इंटू में क्या, 1, 2, 2, 3 इज इक्वल टू में के इंटू ए, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट करेंगे। जब 1 की के से प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के आएगा, प्लस में यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा। तो राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा के प्लस 1, के प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की प्रोडक्ट कर दो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 1 प्लस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4, तो ये आएगा 1 से 1 कैंसल, के की वैल्यू कितनी आई, 4। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। तो स्मार्ट वर्क यूज करो, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है आयटा ए इज इक्वल टू ये है, देन आयटा की पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा। मेरे प्यारे ए इज इक्वल टू अपने को गिवन है आयटा 0, 0 आयटा, आयटा कॉमन ले लेते हैं, बाहर आयटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, 0, 0, 1 बचेगा, और ये बनेगा आयटा इंटू में आइडेंटिटी। तो ए इज इक्वल टू आयटा इंटू में आइडेंटिटी, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू आयटा की पावर एन इंटू में आइडेंटिटी की पावर एन, आइडेंटिटी ही होता है। अब मेरे प्यारे आयटा की पावर एन, एन अगर 4 का मल्टीपल हो तब वो 1 होता है, तो यहाँ पे n अगर 4 का मल्टीपल हो, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे आयटा की पावर 4, तो a की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा जब n को 4 पुट करेंगे तब। लेकिन ये कहता है कि a के इक्वल आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सिमिलरली 6 पुट करने पर नहीं आएगा। सिमिलरली n को जब 8 पुट करूँगा तो यहाँ देखो a की पावर 8 मतलब आयटा की पावर 8 इंटू में आइडेंटिटी, आयटा की पावर 8 1 होता है, तो a की पावर 8 देखो आइडेंटिटी आया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए दे रखा है बी दे रखा है, 3a माइनस में 2b बताना है, तो a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 आएगा पहला एलिमेंट,
दूसरा एलिमेंट अपना 6 आएगा, देन 9 आएगा, ये 6, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये 12। इसमें से माइनस करना है 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14, 12, 6, 2, 8 और 10। क्या करना है इसमें से, इसको माइनस करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस का 14 आएगा, तो इसका मतलब b, d ये आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, 6 में से जब 12 को माइनस करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का 6 आएगा, इसमें प्लस का 6 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, आगे के एलिमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मेरे ख्याल। ये कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेट आपका जीरो रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेट आपका जीरो रहेगा। तो यहां से अगर मैं, आप एक चीज देखो, ए का डिटर्मिनेट आपका जीरो, ए अपने को दे रखा है 5 -2 -1, ये आया 10 -4, ये -2, ये आया मेरे पास 3, और ये 6, और ये b इज इक्वल टू क्या, जीरो। डिटर्मिनेंट निकाल लो गाइस, जीरो आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट रो देखो, सेकंड रो जो, सेकंड कॉलम जो है उसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये आया 5, ये -2 -1, ये आएगा 5, ये -2, ये अपना -1 हो जाएगा, ये आया 3, ये 6, और ये b, और डिटर्मिनेंट है जीरो। दो कॉलम अगर जीरो हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है। अब बी की वैल्यू कुछ भी हो यार, बी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर मैंने यहाँ 5 पुट कर दी बी को, तब भी तो ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। यहाँ पे अगर 4 पुट कर दूँ तब भी ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। तो डी इसका आंसर है, और एनी वैल्यू ऑफ बी, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा, बीटा अल्फा की प्रोडक्ट, अगर मैं अल्फा बीटा बीटा अल्फा से करूंगा तो आंसर आपका 1001 आएगा। तो प्रोडक्ट करते हैं गाइस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट ये करोगे तो 2 अल्फा बीटा आएगा, ये भी आपका 2 अल्फा बीटा आएगा, और ये करोगे तो अब आपका आएगा बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इक्वल आया 1001। तो यहां से एक रिजल्ट आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल, अगर अल्फा जीरो हुआ तो बीटा की वैल्यू 1, और ये अगर बीटा जीरो हुआ तो अल्फा की वैल्यू 1, तो ये एक रिजल्ट है। ठीक है, तो अल्फा जीरो बीटा 1 या अल्फा 1 बीटा 0, तभी आपके पास इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, और ये कहते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से हम करें। ए जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की। तो एक्स जो है उसके अंदर कितनी, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2, तो एक्स में रो कितनी होगी, 2। एक्स में कन्फर्म हो गया कि रो 2 होनी चाहिए, तो ए में तो एक ही रो है, आंसर नहीं हो सकता। सी में भी एक रो है, आंसर नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं बी और डी की। तो पहले b पुट कर लेते हैं, 1/3 को बाहर लिख लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 7, और a कितना है, -1 -2 -2 -1, इनकी प्रोडक्ट करते हैं गाइज, 1/3 बाहर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ की है माइनस का 5, प्लस में इसके साथ करेंगे तो 14। तो फर्स्ट एलिमेंट आया 9, और 3 से जब बाहर 3 है, 1/3 से करोगे, फर्स्ट एलिमेंट 3 आएगा, सही है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये करोगे आएगा 10 -7, तो 3 आया, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1। तो बी देखो 3 1 नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ए अपने को गिवन है, ए का इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेट निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -5, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6, तो माइनस का 11 आया, तो यह 1 / माइनस का 11। 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का ट्रिक सिंपल है, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, -5 और 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो -2 और -3। अब 1 - 1/11 के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये 5/11, ये 2/11, ये 3/11, ये माइनस का 1/11, तो ये ए का इनवर्स आ गया, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, अडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अडजॉइंट निकालना। अडजॉइंट होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूं, थ्री एलिमेंट का इसका, तो ये रो गई है कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस का थ्री आएगा, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस का फोर, तो वन आएगा। मतलब कि अडजॉइंट ऑफ ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन आएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो वन का ट्रांसपोज वन ही होगा ना, तो फर्स्ट एलिमेंट वन आना है, तो यहाँ पे दोनों पे वन नहीं है, तो ए और सी को डिलीट मारो। अब सेकंड एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो सेकंड एलिमेंट मतलब माइनस थ्री का कोफैक्टर, ये रो गया ए कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की टू, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की जीरो, तो आंसर आया टू। तो कोफैक्टर होता है माइनस वन की पावर वन प्लस में टू इंटू में टू, तो ये आएगा माइनस का टू। ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे इसका माइनस वन है, तो डी आंसर नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइनस टू इसमें पड़ा है भाई। तो ये देख लो यार, स्मार्ट वर्क यूज करो, आसानी तो पड़ा है सब कुछ, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ऑर्डर इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन की हेल्प से करो, जो ऑप्शन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। जो ऑप्शन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो गाइस, तीनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर है, तो ये वैल्यू पुट करोगे ना 215, तो तीन से तो बड़ी आएगी आंसर में। एक्स वाई जेड को 111 पुट करोगे, 5 प्लस 2 5 मतलब ये 6 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है, आप लोग कर लेना भाई। नेक्स्ट, ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, ए इंटू बी पूछा है, तो प्रोडक्ट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 1 आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 4 आएगा, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 0, तो 1 प्लस 4 5 आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, अब ए में और डी में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके साथ की 0 आया, इसके साथ की 2 आएगा, इसके साथ करेंगे 0, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका देख लो, इसके साथ की 0 आया, इसके साथ करेंगे तो 2 आएगा, और इसके साथ करोगे तो माइनस में 1 आएगा, 2 माइनस 1, तो फर्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है। सिमिलरली आप 1 बाय 1 करके चेक कर लेना गाइस, प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, ए अपने को बी अपने को गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ए स्क्वायर मतलब अल्फा 0 1 1, इसकी प्रोडक्ट अगर अल्फा 0 1 1 से करूंगा तो रिजल्ट आएगा 1 0 2 1, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो वो अल्फा स्क्वायर आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आया 1 अपना आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 है, 1 2 4 -3 -8 2 2 5 लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 1 इंटू में माइनस का 8 -10, फिर माइनस माइनस 3 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा 2 लैम्डा माइनस में 20, फिर प्लस का 2 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा 4 प्लस में 32 इज इक्वल टू में 0, ये आएगा माइनस का 8 लैम्डा -10, अंदर प्रोडक्ट करोगे 6 लैम्डा माइनस में कितना 60 प्लस में, दोनों को ऐड करोगे 36 और इंटू में 72 इज इक्वल टू 0, 60 -72 करोगे प्लस का 12 आएगा, -10 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, तो यह आया -2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, इसको सेटिस्फाई करती है, ए इनवर्स बताना है, तो ये अपने को दिया हुआ है 3a³ प्लस में 2a² प्लस में 5a प्लस में आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a³ इंटू में ए इनवर्स प्लस में 2a² इंटू में ए इनवर्स, ये 5a इंटू में ए इनवर्स और प्लस में आइडेंटिटी करो करोगे ए इनवर्स आएगा इक्वल में 0, तो यहाँ बचेगा ये 3a² बच जाएगा, एक इनवर्स से एक कैंसिल, और ये 2a बच जाएगा प्लस में ये 5 आइडेंटिटी हो जाएगा और प्लस में a का इनवर्स इज इक्वल टू 0,
इन सभी को उधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएंगे ये सभी के सभी, डी के साथ मैच कर जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मस्ट, एक्स की वैल्यू बतानी है यार, टू एक्स इज इक्वल टू, ये तो टू एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3872 माइनस में 1234, माइनस कर दो, टू आएगा, सिक्स आएगा और ये अपना फोर आएगा, ये करोगे माइनस टू आएगा, टू एक्स की वैल्यू आई, टू से डिवाइड कर दो, 132 माइनस वन, 132 माइनस वन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इसकी प्रोडक्ट इसके साथ इसके इक्वल आती है तो ये वैल्यू बताओ, ऑप्शन की हेल्प से कर लो गाइस, पहले ये ऑप्शन उठाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ वन, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे सॉरी, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे जीरो, इसके साथ करोगे तो वन, इसके साथ करोगे तो वन, वन प्लस वन टू आएगा, फर्स्ट एलिमेंट टू आएगा जबकि जीरो आना चाहिए, ए आंसर नहीं है। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे वन प्लस में टू माइनस में थ्री आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट ये माइनस वन आया इसका मतलब ये भी नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये करोगे आएगा फाइव माइनस का टू प्लस वन, तो ये आया सिक्स माइनस टू कितना है फोर, इसका मतलब ये भी नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट करोगे वन माइनस टू प्लस में थ्री, अरे यार कहाँ गड़बड़ कर दी, अरे यार यहाँ गड़बड़ कर दी, कौन सा ऑप्शन था, ये बी था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की वन प्लस में टू माइनस थ्री, जीरो आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जीरो ही चाहिए, जीरो आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी किसी में जीरो नहीं आएगा, ऑप्शन की हेल्प से कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्ट, आपको बताने इनमें से वो किसको सेटिस्फाई करती है, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, पहले ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी, तो ये कर सकते हो आप लोग, सिंपल सा है भाई क्वेश्चन, आप लोग इसको उसमें भी कर चुके हो एनसीईआरटी में क्लास प्लस टू में, कर लेना मेरे भाई इसमें। नेक्स्ट ए की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट जीरो है, तो 4a माइनस में 4 इज इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है सारे यार मंजुल त्यागी के। क्वेश्चन नंबर 21, a और b दो मैट्रिक्स है सच दैट ए बी की प्रोडक्ट a के इक्वल है एंड बी ए की प्रोडक्ट b के इक्वल है, देन बताना है बी स्क्वायर आपका क्या होगा। अरे 1000 बार बता चुका हूँ कि जब ए बी इज इक्वल टू ए हो और बी ए इज इक्वल टू बी हो तो उस केस में बी स्क्वायर आपका बी के इक्वल होता है, ए स्क्वायर आपका ए के इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी के इक्वल होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये 1000 बार कर चुके हैं भाई, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये कहता है पी और क्यू दो मैट्रिक्स है, देन पी इंटू क्यू बताना है कि पी इंटू क्यू आपका क्या होगा। यहाँ पे क्या है 3x3 ऑर्डर की और ये क्या है मेरे पास 3x2 ऑर्डर की, कॉलम से रो कैंसल, तो मैट्रिक्स जो आएगी प्रोडक्ट करने पर वो 3x2 ऑर्डर की आएगी, तीन रो दो कॉलम, तो सी आंसर नहीं है डी आंसर नहीं है, दो ऑप्शन तो डिलीट मारो सीधे के सीधे, क्योंकि ऑर्डर अपने को 3x2 चाहिए। अब आंसर ए होगा या बी होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस में आइटा स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस पहले से तो प्लस, आइटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस, तो आंसर आएगा टू, यहाँ पे है माइनस टू, तो ए को भी डिलीट मारो बी आंसर है, स्मार्ट वर्क यूज करो थोड़ा यार। नेक्स्ट 23, व्हाट इज द ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है मेरे भाई 1x3 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, इसका ऑर्डर क्या है मेरे भाई 3x1 है, तो पहले जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ये 1 और इसका ये लास्ट उठा लो तो 1x1 मैट्रिक्स का, इनकी प्रोडक्ट करने पर ऑर्डर 1x1 बनेगा, सिंपल ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन आपको बताना है इनमें से नोट करेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा जो है वो नोट करेक्ट, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वन माइनस वन जीरो, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ जीरो वन माइनस वन जीरो के साथ, ए का स्क्वायर करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस वन आएगा, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जीरो ये जीरो,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके प्रोडक्ट जीरो और ये जीरो है। नेक्स्ट ये करोगे माइनस वन है। अब माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी जीरो जीरो, इसको भी आयटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो बी है अपने पास ये, ठीक है, आयटा कॉमन ले लिया तो वन जीरो जीरो माइनस वन बना। आप इसको छोड़ो, ये लिखो ही मत, बी का स्क्वायर करोगे मतलब आयटा स्क्वायर, और यहाँ क्या है वन जीरो जीरो माइनस वन की प्रोडक्ट वन जीरो जीरो माइनस वन से। प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट वन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो आएगा, फर्स्ट रो ये आएगा ये जीरो आएगा, ये करोगे ये वन आएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस वन आएगा, अंदर प्रोडक्ट करोगे माइनस वन जीरो माइनस वन, तो यहाँ से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल आ रही है, ये तो ट्रू है। सिमिलरली ये चेक करेंगे, सिमिलरली आप चेक कर लेना, जो आपका आंसर मैच करेगा वही हो जाएगा, कर लोगे, सिंपल है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज दोनों इक्वली तो होते हैं, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में इक्वल में जीरो ही तो बचेगा, तो नल मैट्रिक्स आएगी, सी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, ए गिवन है, देयर एग्जिस्ट ए बी, बी गिवन है, बी अपने को निकालना है, सॉरी ए इंटू बी आपका ये आना चाहिए। ए जो है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, तो ए है 5 6 1 2 -1 5, बी मेरे को पता नहीं लेकिन रिजल्ट जो है वो आना चाहिए 3 5 4 9 2 9 1 3। ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, तो ए में कॉलम 3 होंगे क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे, तो बी के अंदर 3 रो होनी चाहिए, तो बी और ए और बी ऑप्शन को डिलीट मारो क्योंकि इसमें दोनों में दो दो रो हैं। अब आप ऑप्शन की हेल्प से कर लो, ए की प्रोडक्ट पहले ऑप्शन उठाते हैं, आंसर आना चाहिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले 5 × 5 25 प्लस में 6 और प्लस में 4, आंसर आया 35, पहला एलिमेंट है 35। नेक्स्ट इसके साथ करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 10 प्लस में आएगा 36 प्लस में 3, 35 से तो बहुत आगे चला गया, तो सी आंसर आ गया, ऑप्शन की हेल्प जिंदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 27, एडजॉइंट निकालना है मेरे प्यारे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आसान है, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर लो, कोस थीटा कोस थीटा, ये दोनों बचे इनके साइन चेंज कर दो, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, एडजॉइंट आ गया, ए ऑप्शन से मैच करता है, ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए गिवन है ए की पावर 4 निकालना है, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं 0 1 1 0, इसकी प्रोडक्ट 0 1 1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यह आएगा 0 और यह आएगा 1, नेक्स्ट ये बनेगा आइडेंटिटी बनेगा बैर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए की पावर 4 भी आइडेंटिटी ही बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ ये मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। ए का डिटर्मिनेंट 1 आया तो ए का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ए का एडजॉइंट निकाल लो, वही आपका इनवर्स है, तो इन दोनों की आपस में पोजिशन इंटरचेंज करो तो ये कोस अल्फा और ये कोस अल्फा, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो तो ये साइन अल्फा और ये माइनस का साइन अल्फा, तो ये ए का इनवर्स आ गया, तो मैच किसके साथ करता है, बी के साथ, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए गिवन है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 12 माइनस में 2 कितना है 10, तो आंसर आया 10 इंटू आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 10 0 0 10, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। 31 नंबर क्वेश्चन, एक्स निकालना है, ऑप्शन की हेल्प से कर देंगे, पहला ही ऑप्शन उठा लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर ये आना चाहिए, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 15 माइनस में
ये आएगा 16, तो एलिमेंट आया माइनस वन, पहला एलिमेंट क्या है माइनस वन, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट करोगे माइनस वन आएगा, जबकि प्लस वन चाहिए ए आंसर नहीं है। सिमिलरली फर्स्ट रो इसकी करोगे ये भी आंसर नहीं है। सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 15 प्लस का 16 तो वन आया, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 15 70 आएगा और इसकी इसके साथ करेंगे प्लस में, 17 दूनी 24 मतलब 68 आएगा, तो आंसर आएगा माइनस टू, सेकेंड एलिमेंट माइनस टू ये आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, एक्स इसको सेटिस्फाई करता है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है, अभी किया था कर लेना मेरे प्यारे, ऑप्शन की हेल्प से करना है। नेक्स्ट द मैट्रिक्स एम अपने को गिवन है एंड इट्स इनवर्स एन अपने को गिवन है, देन द एलिमेंट 2 3 ऑफ द मैट्रिक्स एन, एन मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट क्या होगा, एन जो है वो इनवर्स ऑफ एम है, एन जो है वो इनवर्स ऑफ एम है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट बताना है 2 3 एलिमेंट, इनवर्स मतलब 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ एम। देखो गाइस जो एन 2 3 एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ एम के, जो एडजॉइंट ऑफ एम होगा, एम का जो एडजॉइंट होगा उसके कौन से कोफैक्टर के इक्वल, इसका उल्टा मतलब 3 2 कोफैक्टर के इक्वल, ठीक है। तो आपको कौन सा एलिमेंट निकालना है, 3 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो 3 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, ये हो गई कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ये आएगा माइनस टू, और ये कोफैक्टर निकालें माइनस वन 3 प्लस 2 ये आया प्लस का 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो 1 नहीं आया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना माइनस वन इन टू, ये हो गई कॉलम, ये आएगा 1 माइनस में 9 और 2 इन टू में ये हो गई कॉलम 1 माइनस में 6, तो ये आया 9 और माइनस में 10, तो माइनस का 1 आया, तो 1 बाय माइनस 1 इंटू में ये एलिमेंट कितना आया 2, तो माइनस का 2 इसका आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप सीधा एन का इनवर्स निकाल लो, एम का इनवर्स निकाल लो, एम का इनवर्स निकाल के उसका 2 3 एलिमेंट देख लो, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक्स और वाई बताना है, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, दो इक्वेशन दी हुई है, सिंपल है गाइस, कर लोगे, क्या करो आप लोग इसको सोल्व करना है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6x और ये 6x माइनस में 9y हो जाएगा इक्वल में 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 21 0 21 13 39। दूसरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6y प्लस में 4y हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 ये 26 और ये 8 ये 26, इसमें से इसको माइनस कर दो मेरे प्यारे, 6x से 6x कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करोगे ये 13y हो जाएगा, माइनस करोगे 18 में से इसको माइनस करोगे 39 हो जाएगा, 26 में से 0 को माइनस करोगे 26 हो जाएगा, 8 में से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, 20 में से जब यहाँ कितना है सॉरी 26 ही है, 26 में से जब इसको माइनस करोगे तो मतलब दोनों को ऐड करके लिख दो तो ये जब 65 हो जाएगा, 13 से डिवाइड करोगे 13 39 13 2 26 माइनस में 1 और ये 5 3 2 माइनस 1 5 3 2 माइनस 1 5 सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए गिवन है देन इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स का 2 2 एलिमेंट बताना है, तो ए का इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4 माइनस में 6 माइनस 2 आएगा, इंटू में एडजॉइंट निकालोगे 4 और 1 को रिप्लेस कर दो ये माइनस 2 ये माइनस 3 आए, तो अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 ये आएगा 1 ये आ जाएगा 3 बाय 2 और ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, कौन सा एलिमेंट पूछा है 2 2 एलिमेंट पूछा है तो माइनस 1 बाय 2 डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ए गिवन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है ए की पावर 100, ए की पावर 100 ओमेगा कॉमन ले लोगे 1 0 0 1 बचेगा यहाँ पे, ओमेगा कॉमन ले लिया पूरी मैट्रिक्स में से तो ये आया ओमेगा इनटू आइडेंटिटी ए आ गया, तो ए की पावर 100 मतलब ओमेगा की पावर 100
आइडेंटिटी की पावर 100 आइडेंटिटी होता है। ओमेगा की पावर 100 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, ये 1 होता है तो क्या है ओमेगा, तो ये आयटा ओमेगा ही आ गया, तो वापस से ये ए ही बन गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए अपने को गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहले कहता है ए सिमेट्रिक होगा, देखो गाइस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, नहीं है ना तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिंगुलर कब होगी, जब ए का डिटर्मिनेंट जीरो, चेक करते हैं मेरे प्यारे, वन इंटू में ये रो गई है कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की वन माइनस माइनस प्लस फोर आएगा, माइनस टू इंटू प्लस का टू हो जाएगा, ये रो गई है कॉलम, ये करोगे तो ये आएगा टू प्लस में सिक्स, फिर माइनस थ्री इंटू में ये रो गई है कॉलम, ये आएगा फोर माइनस में थ्री, तो ये आया फाइव, और इनको ऐड करोगे ये आ जाएगा अपने पास एट, आठ दोनों सोलह, और इनको ऐड करोगे तो ये वन, तो माइनस में थ्री, तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द टाइप ऑफ सिमेट्रिक, टाइप बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होने चाहिए, नहीं है ना तो सिमेट्रिक नहीं है, सिंगुलर भी नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका निकालोगे तो वन आएगा, तो सिंगुलर भी नहीं है, ऑर्थोगोनल होगी, ए इंटू में ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आता है तो ऑर्थोगोनल होती है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए हैज ए इनवर्स बी एंड सी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए का जो इनवर्स है वो बी भी है और ए का इनवर्स जो है वो सी भी है, तो इनवर्स जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है गाइस, कोई भी मैट्रिक्स को उसका इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, मतलब बी और सी दोनों सेम ही होंगे, इक्वल ही होंगे, तो बी शुड बी इक्वल टू सी, ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जो इनवर्स होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी और सी आपके दोनों इक्वल होंगे, कंसेप्ट क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ए गिवन है, ए इंटू सी गिवन है, देन सी क्या होगा, क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प से कर लें, तो ए इंटू सी आपको करना है, ए अपने को गिवन है 3 2 5 4 4 5, बी मैं सेकंड ऑप्शन उठाता हूँ 5 4 2 6, प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ करी 15 प्लस में इसके साथ करी 19 आ गया, देख लो 15 प्लस 4 19, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 प्लस में 12, देख लो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करी 12y, और अच्छा रुको यह आएगा 12 प्लस में 12 24 आया, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की 20 प्लस में 10, इसके प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे 20 प्लस 10 आएगा तो 30 आएगा, लेकिन अपने को चाहिए 37, बी आंसर नहीं है। सिमिलरली इनको चेक कर लोगे आप लोग, कर लोगे गाइस, हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-4 बार टाइप ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक का ही सॉल्यूशन करेंगे, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इकट्ठा करवाऊंगा, पहले ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कंबाइन से क्वेश्चन है, मैं डिटर्मिनेंट के भी मैट्रिक्स में दे रखे हैं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में दे रखे हैं, तो इकट्ठा करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, शेयर जरूर करना, और चैनल पे जो भी न्यू है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी बच्चों।